जो बता रहा है ना वो भी उसके अपोजिट है। हम हरियाणा डिस्ट्रिक्ट भिवानी। सर नाम क्या है आपका? अंकित जैन। सर आपको कैसे आना हुआ कश्मीर? सर हम वैसे बिजनेस टूर से आए थे। ओके। 4 से 5 दिन हो चुके हैं। बहुत मतलब कि अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। बहुत ठंडा मौसम। वो ये बोल रहे कि हाँ यार दंगे फसाद होते रहते हैं, ये सिस्टम है वो सिस्टम है। शहर जाए उनको चाहती है ना वो वही दिखाती है, जो ग्राउंड रियलिटी होती है ना वो नहीं दिखाती है वो। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ सर, हमें यहाँ पर जब हम एंटर किया था हमने कश्मीर में तो हमें थोड़ा डर लग रहा था। हाँ वो तो होगा। जब आप 5वां दिन है यहाँ पे, जब आपको मीडिया ने आपके दिमाग में डाल रखा था कि कश्मीर में सिचुएशन ऐसी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो डर तो रहेगा ही ना। पता तब चलता है जब एक इंसान ग्राउंड पे जाता है, ग्राउंड की रियलिटी देखता है, उसके बाद डिसाइड कर पाता है कि नहीं सिचुएशन क्या है। तो अब आगे आप आगे तो बल्कि मैं बच्चों को लेके आऊंगा यहाँ पे। हाँ मैं सोच रहा हूँ। वैसी कोई सिचुएशन नहीं होती। हाँ उन्होंने हमारे से कश्मीरी रोटी शेयर की। हाँ बहुत बढ़िया लगा हमें कश्मीरी रोटी। आपने कश्मीरी वाजवान ट्राई किया? क्या चीज? कश्मीरी वाजवान जो फेमस है यहाँ का, वो वेज होता है क्या? नहीं वो नॉन वेज। नहीं नॉन वेज। नॉन वेज नहीं खेला। तो यही दुआ करते हैं ये ऐसा ही बना रहे हैं हमेशा। हाँ इसमें सफर तो बहुत चाहता क्या है मीठे बोल सकता। हाँ और क्या, बंदा सेट्स पर रहना चाहिए बस। पैसे तो आते जाते रहते हैं। अगर यहाँ के लोग गलत बतलाएंगे, गलत बिहेव करेंगे, कौन आएगा? कोई नहीं आएगा भाई। ग्लेशियर से आ रहा है, इधर से आ रहा है। कैसा है कश्मीर? मजा है।